तो अगर आप मीशो शॉपिंग करते हो तो इस वीडियो को आपको जरूर से लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मीशो के 5 ऐसे डिसएडवांटेजेस के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में आप लोगों को जरूर से पता होना चाहिए। नंबर 1, नॉट बल्क ऑर्डर। तो मीशो में आप बल्क ऑर्डर नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि मीशो से आप अगर 5 प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो और 5 प्रोडक्ट अगर अलग अलग सेलर के पास रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे आपको वो 5 प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आपको अलग अलग ऑर्डर जनरेट करना पड़ेगा। मतलब आपको अलग अलग से एक एक ऑर्डर मैनुअली ऑर्डर करना पड़ेगा, तब आप ये 5 प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो। तो ये चीज मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और होप आप लोगों को भी ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं होगा। नंबर 2, डिलीवरी चार्जेस। तो मीशो में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें हमें डिलीवरी चार्जेस देखने को नहीं मिलता, मतलब कि फ्री डिलीवरी के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत सारा प्रोडक्ट मीशो में ऐसे अवेलेबल है ना जिनमें हमें डिलीवरी चार्जेस पे करना पड़ता है, और डिलीवरी चार्जेस जो है वो 78 रुपीज का होता है। और अगर ऐसे केस में आपको 5 ऐसे प्रोडक्ट परचेस करने हैं जिनमें हमें डिलीवरी चार्जेस पे करना पड़ेगा, तो 5 प्रोडक्ट को आपको मैनुअली ऑर्डर करना पड़ेगा और 5 प्रोडक्ट के लिए आपको अलग अलग 78 रुपीज का डिलीवरी चार्जेस पे करना पड़ेगा। चाहे आप एक ही टाइम पे ऑर्डर कर रहे हो ना, तो भी आपको 5 प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिलीवरी चार्जेस पे करना पड़ेगा, जो कि 78 रुपीज करके होगा, और ये टोटल मिला के 390 रुपीज होता है। मतलब कि 300 रुपए आपको फिजूल के केवल डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे 5 प्रोडक्ट के लिए। तो ये चीज भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। नंबर 3, लेट डिलीवरी। तो मीशो में क्या होता है कि जितने भी सारे सेलर होते हैं ना, ये प्रोडक्ट खुद से डिलीवर नहीं करते, इनके पास बस ऑर्डर आता है, इसके बाद मीशो का जो भी कुरियर पार्टनर होता है ना, वो उन सेलर के पास जाता है, प्रोडक्ट पिकअप करता है, उसके बाद डिलीवर्ड करता है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लगता है। कई बार जो मीशो का कुरियर पार्टनर है ना, वो सेलर के पास जाता ही नहीं है प्रोडक्ट रिसीव करने में, और जाता है तो कई बार लेट में जाता है। तो इस वजह से मीशो में जब भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे, तो यहाँ पे आप ये चीज देख लेना कि जब भी आपको जो भी मिनिमम टाइम पीरियड दिया रहता है ना, इस टाइम पीरियड में आपको प्रोडक्ट आ जाएगा, तो आपको उससे थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो मीशो में ये जो लेट डिलीवरी वाला सिस्टम है ना, ये मुझे काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगता है, और होप आप लोग भी ये चीज फेस करे होंगे कि जब भी आप मीशो से प्रोडक्ट ऑर्डर करे हो तो वो आपका काफी ज्यादा लेट से डिलीवर्ड हुआ होगा। नंबर 4, रिटर्न प्रॉब्लम। अगर आप मीशो से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करे हो, उसके बाद उसे अगर आप रिटर्न में डालते हो, तो कई बार क्या होता है कि कुरियर बॉय आपके पास प्रोडक्ट पिक करने आते ही नहीं है, प्रोडक्ट रिटर्न के लिए लेने आते ही नहीं है, और बाय चांस अगर वो आपके पास आ भी गया, प्रोडक्ट लेके भी चला गया, उसके बाद आपका जो भी पैसा है ना, वो आपको रिफंड होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, या फिर काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो रिटर्न जो है वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है मीशो में, और ये चीज भी मुझे काफी ज्यादा इरिटेट करता है, मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद। और अगर आप भी मीशो से कभी रिटर्न करे हो कोई प्रोडक्ट, तो आप लोगों को भी बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा होगा, तो इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। नंबर 5, लो क्वालिटी प्रोडक्ट। तो मीशो में ज्यादातर सप्लायर या फिर सेलर जो है वो लोकल है, या फिर ये जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं या कोई ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब कि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। साथ ही इसमें जो भी सेलर और सप्लायर्स है ना, ये लोकल है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो भी प्रोडक्ट आएगा ना, उसका जो क्वालिटी है ना, वो बहुत ज्यादा कम रहेगा। मोस्टली केसेस में आप देखोगे कि जितने भी प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर्ड हो रहे हैं, उनका क्वालिटी जो है वो आपको उतना ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, आप उनके प्रोडक्ट से उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो अगर आप इस विचारधारा के इंसान हो कि इतने में और कितना मिलेगा, इतने में तो इतना ही मिलेगा, इतने में और क्या ही एक्सपेक्ट करा जा सकता है, तो आपको मीशो के लो क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ मैनेज करना पड़ेगा। तो ये थे 5 ऐसे डिसएडवांटेज जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद मीशो का। खैर, नीचे कमेंट करके बताना कि ये 5 डिसएडवांटेज आप भी फेस करे होगे, और इनके बारे में आपका क्या कहना है, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूं आपसे नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।